मेरे विधायक जी पर जो करने जा रहे हैं ना, हम इसका जवाब दे चुके हैं कि एक विशेष जाति जो नीतीश कुमार है उसके अफसर लोग, एक विशेष जाति के दूसरे जाति के लोग नहीं आज तक, इस सब का हम खुलासा करेंगे। हम बताएंगे कि हमारा जाति में भी क्या क्या है, सो फरिया लेंगे हम में, देख लेंगे, बता देंगे। यही तो इन लोग का काम है, घर फोड़वा का काम है इन लोग का। लगता है कि ललन सिंह का मानसिक संतुलन सही में खराब हो गया है, समझ गए। अरे ये लोग तो बचपन को सबको, आओ सब तो समझदार है, बुतरुअन के फुसला फुसला के ला रहा है, फुसला ले रहा है। बिहार में विशेष राज की दर्जे को लेकर मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। बीजेपी के सहयोगी जदयू लगातार मांग कर रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब विशेष पैकेज नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी सैकड़ों हजारों बार मांग कर चुके हैं और खारिज भी कर दिया गया लगातार बीजेपी की तरफ से। बंटू सिंह है आरजेडी प्रवक्ता, लगातार मांग की जा रही है, ललन सिंह मांग कर रहे हैं और खारिज भी कर दिया जा रहा है विशेष राज्य की मांग को लेकर। ये ललन सिंह मांग किए हैं फिर? अच्छा, लगता है कि ललन सिंह का मानसिक संतुलन सही में खराब हो गया है, समझ गए। ये बोला है दो दिन तीन दिन पहले ये भाजपा के एगो मंत्री, लगता है कि 500% सही है, मानसिक संतुलन सही में गड़बड़ा गया है। चाहे हम लोग बिहारियों लोग को मूर्ख समझ रहा है, जदयू वाला, ये जो जदयू वाला है ये हम लोग को मूर्ख समझ रहा है। अरे कैसा मांग कर रहे हैं रे भाई, ये कौन मांग है, कितना 2010 के बाद से क्या रैली और क्या क्या नहीं किए जिसमें हमारे विधायक जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये लोग जो है सो कि क्या करना चाहते हैं बिहारी वासियों के लिए, बिहार को तो गतल खाता में भेजिए दिए, माने कि थोड़ा सा भी शर्म लिहाज बच नहीं गया है का? एकदम ललनो सिंह का जो शर्म लिहाज होता है, दीदा में पानी सब खत्म कर दिए, विशेष राज का दर्जा मांग रहे हैं जबकि सब कुछ नकार दिया गया है। अरे जो बिहार को चाहिए, जो आपके हाथ में है, उससे उसको तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बिहारियों को फायदा हो वो तो आप कर ही नहीं रहे हैं। आप दोनों तो क्या कर रहे हैं भाजपा और जदयू वाले, वो पूरा बिहार का जनता देख रहा है और धीरे धीरे सब कुछ समझ चुका है। इसी के लिए बार बार आपको थर्ड ग्रेड की पार्टी घोषित कर चुका है बिहार का जनता और हर समय तीसरे नंबर की पोजीशन पर ला रहा है। अरे शर्म कीजिए ललन सिंह जी, समझ गए ना, कुछ इज्जत बचा के रखिए। जिस जाति से आते हैं उस जाति का भी सम्मान जहां भी है कुछ बचा के रखिए। ऐसे तो आप तो सब कुछ दाने कर दिए हैं, जानबे करते हैं, क्या ये सब के बारे में हम कुछ बोले हैं, जिसको कुछ इज्जतें पानी नहीं है, विशेष राज का दर्जा मांग रहा है रे भाई, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी कर रहे हैं लगातार, अब राजद के लोग भी वहां जा रहे हैं, जगदानंद सिंह के लड़के गए, वो कह रहे हैं कि अब अपमानित हो रहे हैं, इसीलिए अब जेडीयू में आ रहे हैं लोग मजबूत करने के लिए, वो एक नंबर बनेगी पार्टी। अच्छा, यही तो इन लोग का काम है, घर फोड़वा का काम है इन लोग का। एक बात बताइए कि इज्जत की बात कर रहे हैं क्या, आज नीतीश कुमार को बनाने में अनंत बाबू, आनंद मोहन जी, बहुत बहुत नेता लोग हैं, जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद यादव थे, कौन कौन लोग, कितने का नाम हम बताएं, कहाँ गया उन लोग का मान सम्मान, कहाँ गया। अरे ये लोग तो बचपन को सबको, आओ सब तो समझदार है, बुतरुअन के फुसला फुसला के ला रहा है, फुसला ले रहा है। अब बताइए रघुवंश बाबू के बेटा के फुसलाया क्या दे दिया भाई। एक बात फिर आप बताइए कि रामलखन सिंह यादव जी के पोता को फुसला के लाया था, मुख्यमंत्री जी पूरा हवा बांध रहे थे, चंद्रिका राय जी को कहां चले गए वो लोग, MLCO ने बनाया जी, और अबरी फुसला के लाया है ये जगता बाबू के बेटा को अति दिखाने के लिए, नीचा जगतानंद बाबू के नीचा दिखा रहना चाह रहे हैं। अरे उनके क्वालिटी में आप लोग आइएगा, आप आइएगा। अरे यही तो काम आप लोग को रह गया, आप लोग का तो बाल बच्चा कुछ किया नहीं तो दूसरे बाल बच्चा को फुसला के लाना, ये सब क्या बोलेगा ये लोग के, और बचिए क्या गया है। ये लोग रोजगार पर बात नहीं करेगा तो जगतानंद बाबू के बेटा पर, कभी रघुवंश बाबू के बेटा पर बात करेगा। ये लोग जो है सो कि जो सुशासन ही कह रहे हैं, जितना खून मर्डर बैंक लूट क्या नहीं डेली हो रहा है, माने घिनमा घिन होले, उस पर तो बात नहीं करेंगे। ये लोग ओझराना चाहते हैं, कभी
नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोल के, कभी कुछ बोल के, कभी पड़ाका फोड़ के, कभी तड़ी चलवा के, यही सब बात है बिरजू जी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तेजस्वी जी हमारे बोल ही चुके हैं, आज बयान भी दिए हैं, देखिए लिए कि भारत कैमा क्या पोजीशन है हिंदुस्तान का, समझ गए ना उस सब बात। आपने कहा कि मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार के बारे में अनंत सिंह का हाथ, अनंत सिंह के जेल में छापे मारे गए, मोबाइल बरामद हुई, कहा जा रहा है कि अब शिफ्ट दूसरे जगह किए जाएंगे, कैसे देखते हैं आप, बहुत करीबी आदमी हैं। कैसे शिफ्ट अथी का क्या कैसे देखते हैं, हम तो इस पर बयान दे दिए हैं, बोलिए दिए इस पर कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व तो है ना, कि आज तक किसी को माने जो जो उसको साथ दिया है नीतीश कुमार के, उस सब के क्या किए हैं सो सब जानते हैं। और जहाँ तक जेल पर छापा पड़ा है भागलपुर, जरा भाई हम भी देखना चाहेंगे कि क्या क्या सरकार आगे करेगी, तो उस अनुसार हम भी चलेंगे, क्योंकि एक विशेष जाति के व्यक्ति लोग मेरे विधायक जी पर जो करने जा रहे हैं ना, हम इसका जवाब दे चुके हैं कि एक विशेष जाति जो नीतीश कुमार है उसके अफसर लोग, एक विशेष जाति के, दूसरे जाति के लोग नहीं आज तक, इस सब का हम खुलासा करेंगे, हम बतावेंगे कि हमारा जाति में भी क्या क्या है, सो फरिया लेंगे हम में, देख लेंगे, बता देंगे। बोचहा जीत रहे हैं? अरे बोचहा जीत गए तो जीत रहे हैं।